गुड आफ्टरनून डियर्स, कल वाली क्लास में एक जो आपकी बेसिक क्लास आपको मिली थी जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में सीखा था कि हमको पहचानना है कि सेंटेंस है कि नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें फाइनाइट वर्ब का मालूम होना ज़रूरी है कि अगर सेंटेंस में कोई भी फाइनाइट वर्ब यूज हो रही है तो वो हमारा सेंटेंस है, और अगर कोई भी हमारे यहाँ फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हो रही है तो वो सेंटेंस हमारा नहीं है। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताई थी कि जो फाइनाइट वर्ब हमारी होती हैं वो ये होती हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर जो आपका थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है, ये आपका ऑक्जिलरी वर्ब के साथ, ये जब भी आपका लिखा जाएगा तो ये ऑक्जिलरी वर्ब के साथ आएगा, इनके साथ आपको ऑक्जिलरी वर्ब डालनी पड़ेगी तब ये फाइनाइट वर्ब आपका बनता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे अगर मैं कहें कि कोई भी वर्ब है, जैसे अगर मैंने कह दिया कि गो, अगर गो आपका वर्ब है तो इसका अपना एक बेस फॉर्म होता है, इसको अगर गो को बोले तो ये अपना एक बेस फॉर्म है यहाँ पे। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे देखें तो इसका फर्स्ट फॉर्म बनता है और दो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे गो और गोज, ये दो आपके फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। गो हुआ, गोज हुआ, ये दो आपके फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज डालना पड़ेगा, ठीक है, प्लूरल के लिए गो डालना पड़ेगा, ये अपना ध्यान देना। इसी प्रकार अगर मैं सेकेंड फॉर्म को देखें तो इसका वेंट, वेंट, ये वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म है, और अगर मैं थर्ड फॉर्म को देखें तो गोन हमारा थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को देखें, ये आईएनजी फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना, हर वर्ब का अपना एक बेसिक फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, मेनली जब वो बोली जाती है तो उसका अपना बेस फॉर्म होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं जिनमें हम उनको अलग अलग करते हैं। अच्छा, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो फिर यही वर्ब मुझे यूज करनी पड़ जाती है। अगर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, और अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो ऑक्जिलरी के साथ, आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है तो ऑक्जिलरी के साथ, ये जो बन जाता है ये फाइनाइट वर्ब बन जाता है। और अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनमें कहीं पर भी अगर हमारा फाइनाइट वर्ब है तो वो हमारा सेंटेंस बोला जाता है, ये अपना ध्यान देना। अब उसके बाद एक बात मैंने और आपको बताई थी कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हैं, आपकी एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हैं, तो फिर आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा उसमें। तो अब आपको सेंटेंस में इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें एक फाइनाइट वर्ब है या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब है तो आपको वहाँ किसी कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो फिर आपको कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। दो फाइनाइट वर्ब एक कंजंक्शन लेगा, तीन फाइनाइट वर्ब दो कंजंक्शन लेगा, चार फाइनाइट वर्ब तीन कंजंक्शन लेगा। जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उससे एक कम कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखें तो एक टॉपिक मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो जो टॉपिक है हमारा वो है कनेक्टर, कनेक्टर, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये अपना नोट करना। ये फाइनाइट वर्ब है आपकी, इतना आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म विद ऑक्जिलरी, ऑक्जिलरी के साथ अगर यूज हो रहा है तो वो हमारा सेंटेंस है, और अगर वो ऑक्जिलरी के साथ यूज नहीं हो रहा है, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है, और अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, हर वर्ब का अपना एक बेस फॉर्म होता है, जैसे मैंने गो लिखा, इसके फर्स्ट फॉर्म दो हैं, गो गोज, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, और फिर आपका ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो हर वर्ब का अपना एक बेस फॉर्म होता है, जैसे मैंने गो की जगह मैंने कोई भी और कोई मैंने वर्ब ले ली, मैंने कहा कि गेट, इसका ये भी अपना बेस फॉर्म है, इसके फर्स्ट फॉर्म जो होगा वो गेट होगा, गेट्स होगा, सेकंड फॉर्म होगा वो गॉट होगा, थर्ड फॉर्म होगा वो गॉट होगा, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि हर वर्ब का अपना एक बेस फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हम बना लेते हैं, ठीक है, ये अपना ध्यान देना। ये डिराइव्ड फॉर्म है आपकी,
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये डिराइव्ड फॉर्म है, ये बनाई हुई फॉर्म है, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना। अब हम लोग जो पहुंचते हैं आज के टॉपिक पे, वो टॉपिक है हमारा कनेक्टर, कनेक्टर टॉपिक। देखो कल वाली क्लास में थी, वो कुछ लोग अपना बता रहे थे कि लेवल सर पकड़ में नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, लेबर बड़ा हाई है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आपको उस लेवल को टच करना पड़ेगा। एक दो चार क्लासें आपकी ऐसी होंगी जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, दो चार क्लासों के बाद फिर आपको वही रिदम में आ जाएगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर वही चीज़ें आपको सरल लगनी पड़ेंगी। तो उस लेवल तक आपको पहुँचना है, आप ये मानो। अगर हम उस लेवल को नहीं पहुँचेंगे, उस लेवल को टच नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप बैंक जो आप दे रहे हो, जिसके लिए आप अप्लाई किए हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो फिर आपके मतलब का ही नहीं, वो क्वेश्चन वहाँ आपको दिखा ही नहीं देंगे। तो उस लेवल को आपको पकड़ना पड़ेगा, ये अपना ध्यान देना। हम धीरे धीरे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन प्रॉब्लम को धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। अभी जब ऐप आ जाएगा, ऐप के थ्रू हम लोगों का एक कन्वर्सेशन भी होने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आने लगेंगे मेरे पास, हम उनका आप जवाब भी देने लगेंगे, ठीक है। तो अभी एक दो दिन अपना वेट कर लो, एक दो दिन के बाद आपका ऐप आया जा रहा है, उसके बाद हमारा आपका कन्वर्सेशन जब चालू हो जाएगा तो वो चीज़ें आपकी और आपके लिए सरल हो जाएंगी, ठीक है। आज का जो पार्ट है हमारे लिए, आज जिसे मैं डिस्कस करूँगा, वो करूँगा कनेक्टर। इसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं कनेक्टर की बात करें तो कनेक्टर में दो चीजें आती हैं। एक जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन, और एक जो होता है वो आपका कंजंक्शन। दो चीजों को हम पढ़ेंगे। और एक बात और, अगर मैं कनेक्टर की बात करें तो IBPS के लिए आप यहां से इतने मार्क्स मानिए, अब 5 क्वेश्चंस कम से कम मार्क्स लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, इतने क्वेश्चंस कम से कम आपके यहां 5 क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से। अगर ये टॉपिक आपको तैयार है तो आप अपने 5 क्वेश्चंस मानिए कि आपके क्लियर हैं। इसको हम समय लें और अगर इसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, पुराने साल के जो क्वेश्चंस वगैरह हमारे यहां कनेक्टर के पूछे गए हैं, अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के PO लेवल के अगर हम उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आप मान के चलिए कि आपके 5 नंबर सॉलिड हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कनेक्टर्स को देखें तो हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक प्रीपोजिशन और एक हमारा कंजंक्शन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है कि अगर मैं देखें तो प्रीपोजिशन अगर कहीं पर भी आएगा तो उसके बाद ये कुछ वर्ड्स होंगे, जब भी मतलब अगर मैं बोलें कि अगर कहीं पर भी प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद आपका वर्ड्स होगा, और अगर कहीं पर भी कंजंक्शंस है तो कंजंक्शन के बाद आपका पूरा सेंटेंस लिखा होगा। एक सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है SVO। SVO का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी सेंटेंस की, ये अपना ध्यान देना। तो फिर से अपना ध्यान देना कि अगर आपको कनेक्टर की मैं बात करें तो दो कनेक्टर होते हैं, उसमें एक प्रीपोजिशन, दूसरा आपका कंजंक्शन। प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद आप, और अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन के बाद आपका सेंटेंस बन जाता है, ये अब हमको कैसे समझना इनको। जैसे एक सेंटेंस जैसे मैंने आपके सामने लिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डैश एनी इमरजेंसी अराइजेज, एक सेंटेंस। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डैश एनी इमरजेंसी, दो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखे। अब अगर आप दिन दोनों स्टेटमेंट में देखोगे तो आप, मैं इतना आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप तो प्रीपोजिशन डालोगे, यहां आप डालोगे तो कंजंक्शन, मतलब इन दोनों में क्या डालोगे, कहां प्रीपोजिशन डालोगे, कहां कंजंक्शन डालोगे, मैं इतना आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। बस समझना, आप इनको रीड कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी
डैश एनी इमरजेंसी अराइजी, सेकंड स्टेटमेंट इज यू कैन कॉन्टेक्ट मी डैश एनी इमरजेंसी, ये हैं आपके। इनमें हमको ये देखना है कहां पर हमको प्रीपोजिशन डालना और कहां पे हमको कंजंक्शन डालना। मैं दो ऑप्शन भी आपको दिए दे रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है आपका इनकेस और दूसरा ऑप्शन है आपका इनकेस ऑफ, ये। अब मैं जो आपको डिफरेंस बता रहा हूं वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के डिफरेंस बता रहा हूं कि कहां प्रीपोजिशन डालना कहां कंजंक्शन डालना। अब देखो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन डालना ये आगे वाली बात पे डिपेंड है। एनी इमरजेंसी ये सब्जेक्ट है, अराइजेज हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, और अगर सब्जेक्ट वर्ब मिल गया है तो यहां मुझे कंजंक्शन डालना पड़ेगा, यहां पर जो डालना पड़ेगा वो मुझे कंजंक्शन डालना पड़ेगा। यहां ये केवल नाउन है आपका, और अगर केवल नाउन है तो नाउन से पहले अगर डालना पड़ेगा तो यहां पर आपका प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा। केवल आपका वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब है कि या तो नाउन है या प्रोनाउन है, यहां ध्यान देना इस वर्ड्स का मतलब यहां पे होगा या तो नाउन या प्रोनाउन। अब अगर नाउन है तो यहां आपको प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, और अगर ये सेंटेंस है तो यहां आपको कंजंक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट तब आएगा अगर ये वर्ब ट्राइटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्राइटिव नहीं है तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये अपना ध्यान देना। जब हम वर्ब पे बात करेंगे तो उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अब अगर इनमें से देखें तो यहां मैंने कंजंक्शन प्रीपोजिशन पता कर लिया। इन दोनों वर्डों में देखें तो ये वाला जो इनकेस होता है ये हमारा कंजंक्शन होता है, इनकेस ऑफ होता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अगर यहां हम डालेंगे तो इनकेस डालेंगे, और अगर यहां हम डालेंगे तो इनकेस ऑफ डालेंगे, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पे भर लिया है तो अब ये दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट हो गए। मैं एक बार अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना ध्यान देना। कनेक्टर हमारे दो होते हैं जिसमें से प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दो आते हैं। प्रीपोजिशन वहां डाला जाता है जहां पर हमारे वर्ड्स हों, वर्ड्स का मतलब है सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, उससे पहले हमको प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा। कंजंक्शन हम तब डालेंगे जब वहां पे हमारा सेंटेंस लिखा हो, अगर उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा है तो हमें कंजंक्शन डालना पड़ेगा। सेंटेंस का मीनिंग होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट, एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ऑब्जेक्ट कभी कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये ट्राइटिव वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, ट्राइटिव वर्ब नहीं है तो आगे ऑब्जेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इस सेंटेंस को यहां पे देखा, एन इमरजेंसी सब्जेक्ट था, अराइजेज हमारा वर्ब था, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अगर मुझे मिल गए हैं तो फिर मैंने यहां पे कंजंक्शन यूज किया है, और अगर मैं देखें तो यहां नाउन है, अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन चाहिए, मैंने प्रीपोजिशन लगाया। इन केस हमारा कंजंक्शन होता है, इन केस ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है, दोनों वर्डों को भर लिया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये अपना नोट करो, उसके बाद एक और कराते आपको। देखो एक सेंटेंस और, डैश playing well we lost the match, first sentence, और इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है आपका although, और दूसरा ऑप्शन है आपका despite, ये दो ऑप्शन है, देखिए आप डाल के देखिए। आप पहले तो आप इतना आप जज कीजिए यहां पर जो डाला जाएगा वो प्रीपोजिशन डाला जाएगा या कंजंक्शन डाला जाएगा। एक सेंटेंस और अगर मैं देखें तो एक सेंटेंस में और लिखे दे रहा हूं है आपका We played well
यहाँ आपको डालना है, वी प्लेड बेल वी लॉस्ट द मैच। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों में आप देखेंगे आप कहाँ पे आप ऑल्दो डालोगे, कहाँ पे आप डिस्पाइट डालोगे। बस इतना मैं बता देता हूँ, ये डिस्पाइट आपका प्रपोजिशन है और ये ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार देखिए आप, ट्राई कीजिए। अब देखो, अगर आपने समझा होगा यहाँ पे तो ध्यान देना, ये केवल वर्ड्स हैं, ये यहाँ पर आपका नाउन नहीं, आपका सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिल रहा है। ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, राइट, ये अपना ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं देखो तो ये वर्ड्स हैं आपके, यहाँ पर केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। और अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो एक फाइनाइट वर्ब है, एक ही सेंटेंस है, राइट। और अगर एक ही सेंटेंस हो तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स हैं तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन की जरूरत है, यहाँ प्रीपोजिशन आपको डालना पड़ेगा। बट यहाँ ध्यान देना, एक वर्ब ये है फाइनाइट, दूसरा फाइनाइट वर्ब आपका ये है, दोनों सेकंड फॉर्म में यूज हैं। अगर ये दो आपकी फाइनाइट वर्ब हैं तो दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए, यहाँ पर जो आपको डालना पड़ेगा वो आपको कंजंक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये केवल वर्ड्स हैं आपके, नाउन है, प्लेइंग हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और अगर नाउन है तो फिर इसको जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, इन दो वर्ब को जोड़ने के लिए, फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन डालना पड़ेगा, कंजंक्शन हमारा ऑल्दो होता है। यहाँ पर अगर मैं डालेंगे तो ऑल्दो डालेंगे, और अगर मैं यहां डालेंगे तो यहां पर हम डिस्पाइट डालेंगे, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना, ठीक है, कि एक एक जो डिफरेंस है आपका, कि हम कहां पर अपना प्रीपोजिशन डालेंगे, कहां पर अपना कंजंक्शन डालेंगे, ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। कि अगर हम दो वर्ब को जोड़ रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब तो दो सेंटेंस होंगे, तो वहां पर मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और केवल अगर हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं तो वहां पर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर जो जरूरत पड़ेगी वो मुझे केवल और केवल क्या नाम प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, जो डिस्पाइट का मीनिंग है वही ऑल्दो का मीनिंग है, दोनों के मीनिंग एक ही हैं, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट नेचर से दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फीचर से अपने दोनों अलग अलग हैं, एक अपना कंजंक्शन है, एक अपना प्रीपोजिशन है, ये अपना ध्यान देना। तो ये अपना ध्यान देना कि जो मैंने क्या नाम अभी जो मैंने आपको डिफरेंस आपको बताया प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का, ठीक है। अब मैं एक टेबल आपके सामने बनवा रहा हूँ, ठीक है, और वो टेबल जो है वो हमारी कनेक्टर की है, उसमें प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। पहले तो आप उस टेबल को बनाइए। देखो, अब जो टेबल हमारी बनेगी कनेक्टर में, वो पहली टेबल है हमारी, कंट्राडिक्ट्री कनेक्टर्स का मीनिंग है कि ये कनेक्टर्स अगर आपको कहीं मिल रहे हैं तो ये कनेक्टर अपोजिट थॉट को जोड़ेंगे, जब भी ये जोड़ेंगे तो ये अपोजिट थॉट को जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन कनेक्टर्स में आपका प्रीपोजिशन भी आएगा और आपका कंजंक्शन भी आएगा, उनको हम समझते हैं। अगर हम कंट्राडिक्ट्री कंजंक्शंस की कनेक्टर्स की बात करें तो इसमें हम जो पहला पार्ट आपके लिए लिख रहे हैं वो पहला पार्ट है आपका प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन को देखें तो चार वर्ड ऐसे होते हैं आपके जो कंट्राडिक्टरी कनेक्टर में आते हैं प्रीपोजिशन के। पहला जो वर्ड है वो आपका है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, और फार, ये चार वर्ड आपके। ये चार वर्ड ऐसे हैं जो आपके कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स में आते हैं प्रीपोजिशन के। पहला आपका डिस्पाइट, दूसरा आपका इनस्पाइट ऑफ, तीसरा आपका नॉट विद स्टैंडिंग, और चौथा आपका है फार, राइट। अब एक बात और समझना, फार को हम कंट्राडिक्टरी में यूज करते हैं, आगे जब हम आगे और कनेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल आपका यहीं पर फार है, आगे और भी लग सकता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा कंजंक्शन, यहां कंजंक्शन वन और यहां कंजंक्शन टू, दो तरीके का कंजंक्शन होंगे, राइट। अब अगर मैं पहले तरीके कंजंक्शन की बात करें तो यहां पर जो वर्ड आएगा आपका दो, ऑल दो, इवन इफ, इवन दो, और इवन इफ इवन दो, उसके बाद जो वर्ड आएगा आपका वो आपका होगा एज, और भाई
एज हुआ और आपका वैल हुआ। ये वर्ड्स हैं आपके, ये वर्ड्स आपके कंजंक्शन वन में आएंगे। दो है, ऑल दो है, इविन एफ है, इविन दो है, ठीक है, एज है और आपका वाइल है। ये जो वर्ड आपके डाले जाएंगे वो इसमें डाले जाएंगे। उसके बाद कनेक्टर कंजंक्शन टू में, कंजंक्शन टू में जो वर्ड आएगा वो आपका होगा व्हाट, येट, स्टिल, नेवरदलेस और हाउएवर, ठीक है, व्हाट है, येट है, स्टिल है, नेवरदलेस है और आपका हाउएवर है, इवन देन, इवन देन। ये जो वर्ड्स हैं आपके ये कंजंक्शन टू में जाएंगे, ठीक है। अब एक बात और समझना, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, दो है, ऑल दो है, इवन एफ है, इवन दो है, राइट, या फिर आपका व्हाट है, स्टिल है, नेवरदलेस है, ओवर है, इवन देन है, राइट, या फिर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं डिस्पाइट है, इनस्पाइट है, नॉट विदस्टैंडिंग है, फार है, ये इन सबका एक ही मीनिंग है, सबका एक मीनिंग है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिस्पाइट का मीनिंग है वही व्हाट का मीनिंग है, वही दो का मीनिंग, वही ऑल दो का मीनिंग। यहाँ पर जो इनस्पाइट ऑफ है, भाई इवन इफ, इवन दो या नेवरदलेस, सबका एक ही मीनिंग है, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। ये जो 15-16 वर्ड्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सबका एक ही मीनिंग जाएगा, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अंतर यह है कि ये वाले प्रीपोजिशन है, ये वाले कंजंक्शन आपके फर्स्ट हैं, ये कंजंक्शन आपके सेकंड हैं। यहाँ दो टाइप के कंजंक्शन से वो आगे हम सीखेंगे, यहाँ पर दो टाइप के कंजंक्शन क्यों यूज हुए हैं, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। अब एक बात समझना, अगर मुझे कहीं डिस्पाइट डालने की जरूरत है तो हम डिस्पाइट की जगह चाहे इनस्पाइट ऑफ लिख लें, चाहे डिस्पाइट लिख लें, चाहे नॉट विदस्टैंडिंग लिख लें, चाहे फार लिख लें, कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों चारों में से कोई भी अगर हम वर्ड डाल देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं वहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं दो ऑल दो की जरूरत है तो चाहे तो मैं दो डालें, चाहे मैं ऑल दो डालें, कोई भी वर्ड अगर वहाँ पे डालें, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करेगा आपका। इसी प्रकार वहाँ पर भी उनमें से भी मैं कोई भी वर्ड डाल दें, वो हमारा कोई आंसर वहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, जैसे राम बाज इल कोमा He wanted to go on picnic. एक सेंटेंस ये, राम बाज इल कॉमा ही वॉन्टेड टू गो ऑन पिकनिक, एक सेंटेंस हमने ये लिखा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट और मैं लिखे दे रहा हूं, रामबाज इल डैश ही वांटेड टू गो ऑन पिकनिक। अब ये दो मैंने लिख दिए हैं। पहले तो आप इन दोनों स्टेटमेंट में आप इतना पता करो कि दोनों स्टेटमेंट में कंजंक्शन की जरूरत है या दोनों स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन की जरूरत है, पहले तो आप इतना पता करो कि। अब देखो, अगर मैं देखें तो एक वर्ब हमारा ये है फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब हमारा ये है, दो फाइनाइट वर्ब हैं। और अगर दो फाइनाइट वर्ब हैं तो दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, यहाँ कंजंक्शन चाहिए। और यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब आपकी ये है, एक फाइनाइट वर्ब आपकी ये है, यहाँ पर भी दोनों वर्बों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर मैं दोनों स्टेटमेंट में देखा तो दोनों स्टेटमेंट में अगर डाला जाएगा तो आपका कंजंक्शन डाला जाएगा, ठीक है। अब हम कंजंक्शन कौन सा डालें, प्रीपोजिशन तो नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा तो ये वाला तो पार्ट हट ही गया। अब इनमें से दोनों में से कोई एक पार्ट मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये कंजंक्शन वन है, ये कंजंक्शन टू है। अगर हमें कहीं पर सेंटेंस में पहले, अगर हमें सेंटेंस में पहले डालना पड़ जाए तो फिर हम ये वन वाले कंजंक्शन डालेंगे, ये वाले। और अगर हमें कहीं सेंटेंस के बीच में डालना पड़ जाए कंजंक्शन तो फिर हमें ये वाले डालेंगे। अगर इस वाले सेंटेंस में डालोगे तो इनमें से कोई एक डालोगे कंजंक्शन वन। आप चाहे दो डाल दो, चाहे ऑल दो डाल दो, चाहे इवन एफ डाल दो, कुछ भी डाल दो वो चलेगा आपका। और अगर यहां आपको डालना पड़ेगा तो इनमें से डालना पड़ेगा, चाहे व्हाट डालो, चाहे एट डालो, कुछ भी डालो, ये कंजंक्शन आपका टू, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अब ये अगर मैंने दो कैटेगरी के कंजंक्शन आपको लिखे हैं तो फिर दोनों में एक यही डिफरेंस है,
कि अगर हमें सेंटेंस के पहले डालना पड़ा तो ये कंजंक्शन डालना पड़ेगा, और अगर सेंटेंस के बीच में डालना पड़ा तो ये कंजंक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के मैंने आपको डिफरेंस बता दिए थे कि अगर दो वर्ब हैं तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, जो कि हमको इनमें से यूज करना पड़ेगा। और केवल अगर आपका वर्ड्स जोड़ने हैं, जो केवल नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना है, तो फिर वहां पर हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम चाहे डिस्पाइट डालें, चाहे इंस्पाइट डालें, कुछ भी डालें, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये अपना नोट कर लो। उसके बाद एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो थर्ड सेंटेंस है, डैश विंग इल ही विंग प्ले द मैच, सेकंड थर्ड वाला। इसमें पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कहां पर आपको प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, कहां पर आपको कंजंक्शन डालना पड़ेगा, इसमें जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा, पहले तो आप ये डिसाइड करो। अब देखो इस सेंटेंस को देखें तो ये केवल फाइनाइट वर्ब है आपका, ये फाइनाइट वर्ब है आपका, यहां पे एक ही फाइनाइट वर्ब है, और अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो कंजंक्शन की आपको जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स हैं आपके। और मैंने बोला था कि आईएनजी फॉर्म होता है वो नाउन का काम कर जाता है, ये यहां पर नाउन है, और अगर ये नाउन है आपका तो इससे पहले जो आपको डालना पड़ेगा वो आपका प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, और अगर प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा तो इनमें से हमें कोई भी प्रीपोजिशन डाल दें, ठीक है, चाहे हम डिस्पाइट डाल दें, चाहे इंस्पाइट ऑफ डाल दें, कुछ भी डाल दें, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपना ध्यान देना। बट फॉर नहीं आएगा, फॉर का अपना एक स्पेसिफिक यूज है, वो हम आगे सीखें। यहां पर हम डिस्पाइट डालेंगे, वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये अपना नोट करो। एक सेंटेंस और देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सॉरी झारखंड इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस और इट इज अ वेरी पुअर स्टेट। देखिए इसको, देखिए अपना कौन सा वर्ड डालोगे, देखो एक वर्ब आपका ये है फाइनाइट, एक वर्ब आपका फाइनाइट ये है, ये जो मर्ब आज वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, हम आगे कभी बात करेंगे राइट, जब वर्ब पे बात करेंगे, ये दोनों ही हमारी फाइनाइट वर्ब है, अगर दोनों फाइनाइट वर्ब हैं तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, यहाँ पर आपको कंजंक्शन चाहिए, और अगर कंजंक्शन चाहिए तो कंजंक्शन हमें इनमें से कोई एक डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस के पहले डालना पड़ेगा तो इन कंजंक्शन फर्स्ट में से कोई एक लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड वाला नहीं लगाएंगे, इनमें से मैं कोई एक यहाँ पे लगा दें, दो लगा दें, ऑल दो लगा दें, वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये वाला सेंटेंस आपका बाद में लिखा होता, बीच में डालना पड़ता, तो फिर इनमें से हमें कोई एक लगाते, बट लगाते, स्टिल लगाते, जो भी था वो हम लगाते, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि अगर हमें पहले डालना पड़ेगा तो हम इनमें से कोई एक डालेंगे, बाद में डालना पड़ेगा तो इनमें से कोई एक डालेंगे, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को लिखने का एक तरीका एक और है, इस सेंटेंस को जो लिखने का एक तरीका और है वो हम आपको बता रहे हैं।
मैं इसको हटा रही थोड़ा। झारखंड विंग रिच इन मिनरल रिसोर्सेज इज अ एक काम कर रहा हूं, झारखंड डिस्पाइट लिखना, झारखंड डिस्पाइट बीइंग रिच इन मिनरल रिसोर्सेज इज अ पुअर स्टेट। ये देखना, अब देखो अगर मैं इस स्टेटमेंट में देखें तो ये डिस्पाइट हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये आपने नाउन लिखा है, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन वाला ये पार्ट आपका प्रीपोजिशन के बाद ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया है, ठीक है। अगर मैंने इसको यूज कर लिया है तो उसका अपना कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के साथ जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उन्हें आप सेंटेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, राइट। वो अपनी पोजिशन को बदल सकते हैं, वो सेंटेंस में पहले भी आ सकते हैं, वो सेंटेंस में बाद में भी जा सकते हैं, और वो आपके तुरंत सब्जेक्ट के बाद भी डाल सकते हो। तो वो अपना ध्यान देना, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के साथ जो पार्ट लिखा जाता है उसकी पोजिशन को आप बदल सकते हो, उनको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे तो मैं यहां यूज कर लें चाहे मैं बाद में यूज कर लें, अगर दोनों जगह मैं कहीं पर भी यूज कर लेंगे तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बट ये ध्यान देना कि अब अगर मैं यहां पर देखें तो एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं, हमने प्रीपोजिशन लगा के लिख लिया है, अब वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी अपना सेंटेंस नोट कर लेना, ये भी सेंटेंस अपना नोट कर लो। एक सेंटेंस और मैं लिख रही है, एक सेंटेंस है हमारा, डैश ही इज इंटेलिजेंट He failed in the exam. एक सेंटेंस ही है। अब यहां आपको डालना है, क्या डालोगे पहले तो आप ये डिसाइड करो, पहले तो आप ये डिसाइड करो वहां पे क्या डालोगे। देखो एक बार आपका ये फाइनाइट, एक फाइनाइट वर्ब आपका ये है, दोनों जगह फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अगर दोनों जगह आपका फाइनाइट वर्ब है तो कंजंक्शन चाहिए आपको, ठीक है। इंटेलिजेंट है और फिर भी वो फेल हो गया, ये दोनों सिचुएशन ऐसे हैं जो आपस में कंट्राडिक्ट हैं, कंट्राडिक्ट का मतलब है कि अपोजिट हैं, ठीक है। तो एक अपोजिट कंजंक्शन चाहिए और सेंटेंस के पहले है तो इनमें से कोई एक डालना पड़ेगा, ठीक है। दो डालो, ऑल दो डालो, इवन दो डालो, कुछ भी डालो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डालूंगा तो फिर दो होगा, दो डाल देंगे वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस और, इंटेलिजेंट डैश ही फेल्ड इन द एग्जाम। यहां डाल के देखो, इंटेलिजेंट डैश ही इज कॉमा ही फेल्ड इन द एग्जाम। इसे देखो, प्रीपोजिशन पड़ेगा या कंजंक्शन पड़ेगा अपना बताओ। अब देखो यहां पे फाइनाइट वर्ब तो है ना, एक इज फाइनाइट वर्ब है, एक यहां पर फील्ड फाइनाइट वर्ब है, दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं, और अगर दोनों फाइनाइट वर्ब हैं तो कंजंक्शन तो चाहिए आपको, राइट। अब यहां कंजंक्शन आपको डालना पड़ेगा, राइट। ये ध्यान देना, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, और अगर अब एडजेक्टिव के बाद कोई कंजंक्शन आपको डालना पड़ेगा तो फिर एज, ये एज का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है, ये अपना ध्यान देना।
अगर सेंटेंस में कहीं पर भी पहले एडजेक्टिव यूज हो गया है और अगर उसके बाद हमें कंजंक्शन डालना पड़ रहा है तो यहाँ पर मुझे एज डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको डालना पड़ेगा वो आपका एज डालना पड़ेगा, ये अपना ध्यान देना, ठीक है। ये अपने कुछ नोट करना और इनको अपना रिवाइज करना, वीडियो को बार बार देखना। ये मैंने कुछ कंजंक्शन आपको बताए हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई कंट्राडिक्टरी की। हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उसमें कंट्राडिक्टरी के ये टेबल अपनी बनाना, इसको अपना याद रखना। हम कुछ और स्पेसिफिक यूजेज हैं हमारे कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन और कंट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर से अपना ध्यान देना, हम कनेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर ये कनेक्टर टॉपिक हमारा तैयार है तो हमारे यहाँ 5 नंबर, हमारे यहाँ IBPS में 5 नंबर हमारे श्योर है। हम इनको पढ़ लें, इनकी अगर बेहतर प्रैक्टिस कर लें तो हमारे 5 मार्क्स क्लियर हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना है यहाँ पे कि प्रीपोजिशन एक वो वर्ड होता है जो अपने बात केवल वर्ड से लेता है, कंजंक्शन एक वर्ड वो होता है कि जो अपने साथ दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना ध्यान देना, कंजंक्शन के बाद आपका पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद केवल कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स की मैंने आज बात की, उन्हीं पे कुछ हमारे कंजंक्शन हुए। ये जो भी स्टेटमेंट मैंने कराए हैं ये सारे स्टेटमेंट आपस में अपोजिट थॉट को लिख रहे हैं और अपोजिट थॉट को जोड़ रहे हैं, ये सारे के सारे। कहाँ प्रीपोजिशन डालना, कहाँ कंजंक्शन डालना, वो सारी की सारी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। इसको अपना देखिए, आगे हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके कुछ आगे यूज सीखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम फिर यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी।